नाज़रीन सिटी टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज अत्तापुर पिलर नंबर 140 पर एक शख्स को रोड पर दौड़ा दौड़ा कर, जिस तरीके से फिल्मों में होता है उसी तरीके से दौड़ा दौड़ा कर उस शख्स का कत्ल कर दिया गया। पुलिस बचाने की कोशिश की लेकिन फिर भी पुलिस नाकाम हो गई। कुछ सिविलियंस भी उसको बचाने की कोशिश किए लेकिन अफसोस उसका आखिरकार कत्ल हो गया। उसके बाद पुलिस ने उसको अपने हिरासत में लिया। डीसीपी शमशाबाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी सारी तफासिल को राजेंद्र नगर अत्तापुर पिलर नंबर 140 के पास में केस हुआ था। उसमें रमेश बोल के 25 साल का जो शाहनाथगंज में रहने वाला आदमी को दो लोग ने मिलकर मार दिया था। उसमें एक किशन राउत बोल के एक 2017 में 2017 दिसंबर 25 को एक मर्डर केस हुआ था शमशाबाद पुलिस स्टेशन में, जिसमें जो विक्टिम था डिसीज्ड महेश, उनका पिता जो किशन गौड़ है वो इस केस में रमेश को मार दिया था। ये मेंटली चैलेंज पर्सन है, वो एरागड्डा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। और दूसरा इनका अंकल भी लक्ष्मण गौड़, महेश गौड़ का अंकल, ये भी इस केस में शामिल था। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जो एक ट्रैफिक कांस्टेबल लिंगम मूर्ति उधर ड्यूटी में था, वो बहुत कोशिश किया कि जो ये मर्डर हुआ था उसको नहीं होना बोल के वो बहुत कोशिश किया था। पर उनके कोशिश के बावजूद भी, क्योंकि ये लोग पिया हुआ था और इन लोगों के पास में एक्स भी था, इसलिए रुक नहीं पाया। उसके बाद जो शॉपकीपर्स था वो भी बहुत कोशिश किया, और उसके बाद में मर्डर होने के बाद में एक क्राइम व्हीकल आया था, उसमें जो दो क्राइम कांस्टेबल था वो सिविल ड्रेस में था, वो भी नीचे उतार के वो भी कोशिश किया था, पर मर्डर रुका ही नहीं पाए। पर इनके जो ऊपर है दो लोग, उनको गिरफ्तार किया, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और राउडी शीट और पीडीएफ भी उनके ऊपर लगाएंगे। ओके।